सुप्रभात बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तकों में एक पाठ्य पुस्तक जो जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम है, उसके लिए आज से मैंने योजना बनाई है। क्योंकि यह जो पाठ्य पुस्तक है वो कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों के लिए कॉमन है, और 11वीं और 12वीं दोनों में ही जो दो प्रकार की हिंदी होती है, हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर, ये दोनों में ही अप्लाई होती है। तो हालांकि ये जो टॉपिक मैं अब लेके जा रहा हूँ, ये आपको पहले भी भेजा गया और डिस्कस किया गया है, विवेचना के साथ आपको इसको पढ़ाया गया है, लेकिन क्योंकि अब हमारा उद्देश्य क्या है, पूरी पुस्तक को कवर करने का है, इसलिए क्रमशः हम एक एक दिन, जो आपका क्लास का दिन नहीं होता, जो आपका वीडियो भेजने वाला दिन होता है, उसमें एक ही हम कॉमन टॉपिक चारों क्लास में भेजा करेंगे। तो पहले हालांकि ये टॉपिक हो गया, लेकिन एक बार फिर आज के वीडियो के माध्यम से आप इसको देख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने उपविषय लिया है। हम क्या करेंगे, इसमें कंटेंट को ना छोटे रूप में, क्योंकि जो आपके चैप्टर हैं उस किताब के वो बहुत बड़े बड़े हैं, हम क्या करेंगे, हर पाठ का जो सारांश रूप निकल के आता है, सारांश रूप को हम आपको वीडियो के माध्यम से भेजेंगे, ठीक है। और ये जो कंटेंट आपका होगा, ये आपको क्लास 12th में भी काम करेगा, चाहे आप हिंदी इलेक्टिव के बच्चे हैं 11th के, या हिंदी कोर के बच्चे हैं, या आप 12th के बच्चे हैं, यानी आपको हर कक्षा के हर स्तर की हिंदी में यह जो पाठ्यक्रम होगा, ये आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ आप जानते हैं कि यह जो पाठ्य पुस्तक है, इसका जो उद्देश्य है वो आपको पत्रकारिता के साथ जोड़ने का है। तो पत्रकारिता के फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप इस पुस्तक का विधिवत अध्ययन कर सकते हैं, और आगे चल करके आप अपनी पढ़ाई इस क्षेत्र में कर सकते हैं, कि ये आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। तो इस क्रम में बच्चों, आज सबसे पहले संचार प्रक्रिया। तो आप कहेंगे कि सर ये तो पहले पढ़ाते, लेकिन कोई बात नहीं है, कंटिन्यूएशन में हम सारे टॉपिक इसके उन दिनों में लिया करेंगे जिस दिन आपका वीडियो भेजना होगा। तो सबसे पहले जो इसका टॉपिक हमने लिया है, वो लिया है संचार प्रक्रिया, ठीक है। संचार प्रक्रिया आज का मुख्य विषय है, इस पुस्तक के अंतर्गत इस उपविषय को हम ले रहे हैं। तो भी यह है कि संचारक, संचार प्रक्रिया के जो अलग अलग अंग हैं, उनमें सबसे पहले आता है संचारक। संचारक की आपको परिभाषा पता ही है कि संचारक वह व्यक्ति होता है जिससे कोई सूचना या संदेश चलता है, ठीक है। जिस व्यक्ति से सूचना या जानकारी या संदेश चलता है, यानी जो सूचना जानकारी संदेश का स्रोत होता है, उसको हम संचारक कहते हैं, या हम उसको स्रोत कहते हैं। तो ये तो हो गया संचार प्रक्रिया में संचारक। दूसरा है कूटीकरण। संचारक क्या करता है, कोई संदेश जो उसको भेजना है, उसको एक समझने योग्य भाषा में वो बांधता है, और जो समझने योग्य भाषा होती है, उसी को हम कूट कहते हैं। संचार की भाषा में उसको कहते हैं हम कूट, अंग्रेजी में उसके लिए एक शब्द है कोड, ठीक है। तो किसी संदेश या सूचना को, या अपने पास से जिस जानकारी को संचारक दूसरे व्यक्ति तक भेजना चाहता है, उसको सबसे पहले वो उसका कूटीकरण करता है, उस जानकारी का कूटीकरण करता है, यानी उसको समझने योग्य कूटों में, लैंग्वेज में बांधने का प्रयास करता है। और यह प्रक्रिया जो कहलाती है, किसी संदेश या सूचना को समझने योग्य कोड में बांधने की कोशिश जो कहलाती है, वो कहलाती है कूटीकरण या एनकोडिंग। उसके बाद बच्चों, जो अगला तत्व आता है संचार प्रक्रिया का, वो है कूट वाचन, इसी को हम डिकोडिंग भी कहते हैं। तो अब इस पहली तो बात है कि ये कूटीकरण किसने किया, ये संदेश के स्रोत ने किया, संदेश के संचारक ने किया। जो संदेश को भेज रहा है वो क्या करता है, कूटीकरण करता है। अब ये है कि कूट वाचन कौन करता है, कूट वाचन करता है प्राप्तकर्ता, यानी जिस व्यक्ति को संदेश भेजा जाता है उसको हम कहते हैं प्राप्तकर्ता, वो करता है संदेश का कूट वाचन, डिकोड करता है। अब डिकोड करने का मतलब क्या हो गया, देखो भाषा हिंदी है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मैं यहाँ से इस वीडियो में जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, वो इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि इस हिंदी का आप अर्थ समझते हैं। यदि इसी विषय को मैं जापानी या चाइनीज भाषा में बोलने लगूँ, और आप ना जानते हो चाइनीज या जापानी भाषा, तो क्या आपको कुछ समझ में आएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप ठीक से डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो संदेश किसी भाषा में किसी कोड में बंधा हुआ है, उसका अर्थ समझना, कूट का अर्थ समझना कूट वाचन या डिकोडिंग कहलाता है। उसके बाद अगला जो है पद, वो है संचार प्रतिक्रिया।
तो संचार प्रतिक्रिया का मतलब होता है फीडबैक, ठीक है। अब संदेश के संचारक ने या स्रोत ने संदेश भेज दिया किसके पास, प्राप्तकर्ता के पास। फिर प्राप्तकर्ता भी अपना जवाब भेजता है यानी रिप्लाई करता है। तो प्राप्तकर्ता जिस उत्तर को भेजता है उसी उत्तर को या इसी जवाब को संदेश प्रतिक्रिया या फीडबैक कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मैंने किसी से पूछा फोन पे, हाँ भाई आपने खाना खा लिया, तो उसने कहा हाँ मैंने खाना खा लिया, तो इसका मतलब उधर से जो जवाब आया वो मेरे प्रश्न का आया। वो इसलिए आया क्योंकि मैंने जो एनकोड किया था अपना क्वेश्चन, ठीक है ना, मैंने अपने संदेश का एनकोडिंग किया, उसके पास भेजा कि क्या आपने खाना खा लिया, उधर से जवाब आता है हाँ मैंने खा लिया, तो इसका मतलब ये क्या है, उसने मेरे मैसेज को डिकोड करके समझ लिया, जो मैंने सवाल पूछा उस सवाल को उसने सही तरीके से समझा और तब जा करके उसने उसका उत्तर मेरे पास भेजा कि हाँ मैंने खाना खा लिया। तो इसका मतलब यह है, जो उत्तर आया उसकी ओर से यह है संदेश जो मैंने भेजा था उसकी प्रतिक्रिया है, उसका रिएक्शन है। तो किसी भेजे गए संदेश को प्राप्तकर्ता जब प्राप्त कर लेता है और उसके बदले में अपना रिप्लाई भेजता है, आंसर भेजता है, तो यह जो रिप्लाई या आंसर होता है यह उस संदेश के प्रति प्रतिक्रिया या फीडबैक होती है। अच्छा, अगर आप कहेंगे प्रतिक्रिया अगर ना हो तो क्या होगा भाई, प्रतिक्रिया क्या होनी ज़रूरी है? बिल्कुल होनी ज़रूरी है। क्यों, मैं आपसे बीच बीच में पूछता हूँ जब मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, हाँ भाई मैं बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है, तभी तो मुझे कन्फर्म होता है कि हाँ मेरी आवाज़ आप तक ठीक पहुँच रही है। जब आप कहेंगे कि हाँ सर आ रही है आवाज़, तभी तो मुझे कन्फर्म होगा कि हाँ मेरी आवाज़ आप तक ठीक पहुँच रही है, वरना मेरे बोलने का फ़ायदा क्या। सपोज करो कि आपको सुनाई नहीं दे रहा, डिस्कनेक्ट हो गए हम सारे एक दूसरे के साथ, तो फिर फ़ायदा क्या मेरे बोलने का। तो फीडबैक हमें यह बताती है कि हाँ भाई आपका संदेश प्राप्तकर्ता के पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। उधर से कोई फीडबैक नहीं आएगा इसका मतलब मुझे मेरा जो संदेश है उस तक पहुंचा नहीं है। अगला जो है वो है प्राप्तकर्ता। तो प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होता है जो संदेश को पाता है यानी जिसके लिए वो संदेश भेजा जाता है, उसको हम प्राप्तकर्ता कहते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है शोर। शोर का मतलब क्या होता है, आवाज, खड़का, ठीक है। तो शोर को यहाँ हम टेक्निकल रूप में देखते हैं, तकनीकी रूप में देखते हैं। शोर का मतलब होता है कि हमने संचार किया, संदेश भेजा, लेकिन किसी कारणवश वह संदेश नहीं पहुंच पाया। कोई कारण तकनीकी बाधा या रुकावट के रूप में आ जाता है जब हमारी कही हुई बात उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती जिसको हम वो बात भेज रहे हैं, ठीक है। मैंने शब्द प्रयोग किया है तकनीकी बाधा या रुकावट, यहाँ ध्यान देंगे तकनीकी बाधा या रुकावट, यानी जिसके कारण संदेश अपने प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुँचता, वह वजह है क्या कहलाती है, शोर कहलाती है। उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में शोर कहते हैं, जिसके कारण संदेशकर्ता को या तो संदेश मिलता नहीं या कह लीजिए कि ठीक से नहीं मिलता, वो तकनीकी कारण शोर कहलाता है। तो बच्चों आपको संचार प्रक्रिया पूरी पढ़ा दी गई है, अब एक बार फिर आप इसका रिवीजन कर लेंगे और थोड़ा सा आप इसको नोट जरूर करते रहें साथ के साथ, और इस नोटबुक को आप फ्यूचर के लिए बिल्कुल संभाल के रखें। एक तो आपकी क्लास 12th में भी काम आनी है, दूसरी बात यह है कि आपको ये आगे चल के आपके करियर के साथ में अच्छा लिंक कर सकती है यदि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो एक बार फिर से टॉपिक ले लेंगे, संचारक वह व्यक्ति जिससे संदेश या सूचना चलती है, कूटीकरण संदेश को समझने योग्य कूटों में बांधना कूटीकरण कहलाता है, उसके बाद अगला है कूटवाचन। अच्छा इससे पहले आप समझ लीजिए कि प्राप्तकर्ता कौन होता है, संदेश को भेजने वाला तो कहलाता है स्रोत या संचारक, और संदेश को पाने वाला, देखो दो आदमी अगर बात करते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो सुनने वाला को क्या हो गया, प्राप्तकर्ता हो गया, और बोलने वाला क्या हो गया, संचारक हो गया या स्रोत हो गया। तो ये प्राप्तकर्ता कौन होता है, जिसको संदेश भेजा जाता है, संदेश को पाने वाला। उसके बाद संचारक क्या करता है और प्राप्तकर्ता क्या करता है, दोनों का काम क्या है संचार प्रक्रिया में, संचारक कूटीकरण करता है और प्राप्तकर्ता कूटवाचन करता है। कहने का मतलब अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है संचारक, और जिस भाषा में वो समझाने की कोशिश करता है, समझने योग्य भाषा को हम कोड कहते हैं, हिंदी में कूट कहते हैं, और समझने योग्य भाषा में संदेश को बना कूटीकरण कहलाता है या एनकोडिंग कहलाता है।
ठीक उसी प्रकार जो आपका प्राप्तकर्ता होता है वो संदेश को समझता है, यानी वो उसको डिकोड करता है। संचार प्रतिक्रिया फीडबैक का मतलब होता है प्राप्तकर्ता को जब कोई संदेश मिला तो उसने अपना रिप्लाई भेज दिया, जवाब भेज दिया, तो ये कहलाता है फीडबैक। और संदेश प्रतिक्रिया यदि ना हो तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर कहीं प्रतिक्रिया ना मिलती हो तो उससे क्या अर्थ निकालेंगे आप, तो उससे अर्थ निकालेंगे कि वो संदेश प्राप्तकर्ता को नहीं मिला या ठीक ठीक नहीं मिला। और शोर का मतलब आपको बता दिया, वह तकनीकी बाधा या रुकावट जिसके कारण प्राप्तकर्ता को संदेश या तो मिल नहीं पाता या ठीक से नहीं मिल पाता, वह प्रतिक्रिया वह तकनीकी बाधा या रुकावट शोर कहलाती है। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, और आप कंटिन्यू जब भी आपको ये आपकी वीडियो वाला दिन होगा उस दिन आपको यही वीडियो भेजा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।